Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए शुरू करते हैं क्विकली रमजान के लिए फ्रीज एंड स्टोर की रेसिपी। बहुत ही मजेदार, झटपट बनाकर फ्रीज करके रखें जब चाहे, स्टोर करके रखें जब चाहे तो फ्राई कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिशेज बनाते हैं आज की। चलिए कढ़ाई या फ्राई पैन का चूल्हा चालू कर दीजिए, उसमें तेल डाल दीजिए थोड़ा सा और एक छोटा चाय का चम्मच भरकर कूटा हुआ लहसुन डाल दीजिए। आप चाहे तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं इसमें और इसे आधे पौने मिनट तक फ्राई कीजिए। मैं थोड़ा स्लो पे रख रही हूँ और आपको सब्जियां बता देती हूँ। पहले ये है 1/4 कप बारीक कटा हुआ फरज बीन, 1/4 कप बारीक कटा हुआ गाजर, 1/4 कप बारीक कटा हुआ पीला शिमला मिर्च और 1/4 कप हरा शिमला मिर्च और 1/4 कप लाल शिमला मिर्च और ये है 3/4 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। आप चाहें तो अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा सब्जियों को कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ जब लहसुन फ्राई हो जाए तो बारीक कटा हुआ फरज बीन और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर डालकर मिक्स कर लीजिए। चूल्हा मैंने हल्का सा आपने देखा था स्लो पे रख दिया था। अब इसको थोड़ा सा पानी का छींटा मार दीजिए और इसे ढक कर पकने रख दीजिए तकरीबन 3-4 मिनट के लिए, या तब तक पकाएं जब तक स्लो आंच पर ये जो फरज बीन है वो नहीं गल जाती। अच्छा, साइड पर ये मैंने 200 ग्राम चिकन बॉईल करके रखी है, कुछ नहीं नमक डाला था और पानी डालकर अच्छे से बॉईल कर लिया, ठंडी हो गई तो श्रेड कर लिया। 3-4 मिनट हो चुकी है, देख लेती हूँ। ये देखिए बराबर से सब्जी गल गई है ये वाली, चूल्हा स्लो पर ही है। तो यहाँ पर मैं पत्ता गोभी डाल देती हूँ, ये लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और गाजर डाल देती हूँ। आप चाहें तो हरी शिमला मिर्च भी अभी ही डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा लेटर डालूंगी क्योंकि थोड़ी सी क्रंचीनेस रहे और कलर भी रिटेन रहे। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और यहाँ पर मैं 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर भी डाल देती हूँ। आधा छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स कर लीजिए। चिकन जो साइड पर रखी है बॉइल करी हुई, श्रेड करी हुई, वो भी डाल दीजिए और इसे मिक्स कर तकरीबन आधे एक मिनट तक फ्राई कीजिए। जब तक फ्राई करेंगे ना आधे एक मिनट में, तो ये जो लाल मिर्ची का पाउडर है ना ये भी थोड़ा सा अच्छे से भून जाएगा। एक मिनट हो जाए तो चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और 1 छोटे चाय का चम्मच विनेगर, 2 छोटे चाय के चम्मच सोया सॉस डाल दीजिए, 1 छोटे चाय का चम्मच चिली सॉस डाल दीजिए, 1 छोटे चाय का चम्मच टमाटर सॉस डालकर मिक्स कर लीजिए। चूल्हा मीडियम पर ही है और इसमें अब आप वो जो साइड पर मैंने रखे हैं मैं वो डाल देती हूँ, शिमला मिर्च बारीक कटे हुए डालकर इसे मिक्स कर लीजिए और मीडियम पर ही रहने दीजिए। और इसमें जो हल्का भी आपको पानी लग रहा है गीला गीला थोड़ा, तो उसे सुखा लीजिए। समझिए ना, आधे एक मिनट में तो वो सूख जाएगा। जब आपको लगे हल्का हल्का नीचे लगने जा रहा है तो बस बंद कर दीजिए। मैं चख लेती हूँ, एकदम परफेक्ट। अगर आपको कम लगे स्पाइस तो स्पाइस डाल दीजिए, बैलेंस कम लगे मीठे का तो वो डाल दीजिए, टमाटर सॉस, नमक कम लगे तो नमक और काली मिर्च से एडजस्ट कर लीजिए, सीजनिंग कर लीजिए। मेरा एकदम परफेक्ट है, मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। अब इसे ढाकिएगा मत, नहीं तो पानी छूट जाएगा सब्जियों का। और इसे ठंडा हो जाने दीजिए रूम टेम्परेचर पे। तब तक हम दूसरा प्रिपरेशन कर लेते हैं, ब्रेड्स के सारे जो कट्ठे हैं, जो एजेस हैं, वो सारे इस तरीके से निकाल लीजिए। अब एक ब्रेड लीजिए और इसे बेलन की मदद से इस तरीके से बेल लीजिए। बेलने का मकसद ये है कि चपटे हो जाएंगे ये, तो सारों को इसी तरीके से बेल लीजिए। ये देखिए सारे बेल लिए ना, तो अब एक ब्रेड बेला हुआ लीजिए, उसके बीच में आप ये जो मिक्सचर है चिकन का ये रख दीजिए और वो जो है वो पानी है, सादा पानी है, उसे इस तरीके से पानी को चारों एजेस पे लगा लीजिए और इसे इस तरीके से प्रेस करते जाइए। बहुत ही आराम से कीजिएगा, लाइट हाथों से कीजिएगा कि फटे ना, साइड से भी पानी लगाते जाए चारों ओर से और इसे इस तरीके से सील कर दीजिए। तो ये बन गया हमारा एक ब्रेड स्प्रिंग रोल। अच्छा, आप चाहें तो इसी तरीके से सारे बना लें, लेकिन मैं एक दूसरे तरीके से बना रही हूँ। इसी तरीके से एक ब्रेड लीजिए, मिक्सचर बीच में रखिए और मैं है ना आटे की लई से, जो मिक्सचर है आटे का, उससे मैं इसे सील करूंगी। कुछ नहीं, आटा 1 या 2 टेबलस्पून एक प्याली में डालिए, थोड़ा सा पानी डालकर घोल बना लीजिए और इसे पानी के बजाय चारों ओर ये लगा लीजिए और इससे हल्के हाथ से प्रेस कीजिए तो
बेटर मुझे ये वाला लगता है, पानी से बार बार खुलने का डर रहता है, इससे क्या एक बार चिपक गया, स्टिक हो गया तो फिर आप फेविकोल का जोड़ है निकलेगा नहीं। तो इसी तरीके से मैं तो सारे बना लेती हूँ। दो अंडे लीजिए, एक प्याले में डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक, 2-3 टेबलस्पून जितना दूध डालकर इसे बहुत अच्छे से फेंट लीजिए और साइड पर रख दीजिए। ये अंडा है, ये ब्रेड क्रम्स है, और ये सारे अभी जो मैंने वार के रखे हैं स्प्रिंग रोल्स ब्रेड वाले, ये वो है। अब एक स्प्रिंग रोल लीजिए ब्रेड वाला, इसे अंडे में अच्छे से डिप कीजिए उलट पलट करते हुए, और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे से ऑल ओवर कोट कीजिए उलट पलट करते हुए, और ये बन गया हमारा एक स्प्रिंग रोल बढ़िया सा ब्रेड वाला। इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे अंडे में डिप करते जाए, ब्रेड में कोट करते जाए और साइड पर रखते जाए। तो चलिए ये सारे बन चुके हैं, वैसे 13 बने हैं, और बाकी के आप देख सकते हैं वो छोटे छोटे मैंने कबाब शेप दे दिए हैं, क्योंकि पूरी ब्रेड ही खत्म हो गई और दूसरी ब्रेड थी तो वो छोटी थी, लेकिन अगर आप देखने जाएं तो 13 मतलब 14-15 तो आराम से बन सकते हैं। मैंने ज्यादा टाइटली पैक भी नहीं किया है, अंदर मिक्सचर ज्यादा नहीं डाला और ना ही कम डाला है, प्रॉपर मीडियम मिक्सचर डाला है। अब आप चाहें इसे स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर के अंदर। नीचे आप पहले पेपर डाल दीजिए, बटर पेपर, और एक एक करके इन्हें लगा दीजिए हल्के हाथों से, और फिर से एक बटर पेपर रखिए और फिर से एक एक करके ऊपर लगा दीजिए। इसी तरीके से लेयर पे लेयर लगाकर आप इसे ढक कर डीप फ्रीज मतलब फ्रीजर में रख सकते हैं, तकरीबन 1 महीने तक रख के खा सकते हैं। मैं वैसे कल खाने वाली हूँ। चलिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है, चूल्हा फास्ट आंच पर मैंने चालू कर दिया, तेल अच्छा गर्म हो गया फास्ट आंच पर कढ़ाई के अंदर, तो उसको मीडियम कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सबसे पहले तो मैं एक ट्रायल के लिए डाल कर देख रही हूँ कुछ टूट फूट तो नहीं रहा है ना। चलिए अब इसे मीडियम आंच पर पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, उलट पलट करते जाए दोनों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। अब इसी तरीके से दो दो तीन तीन एट अ टाइम डालें, या फिर आपकी पतीली में जितना स्पेस हो उतने डालें, ज्यादा ओवर क्राउडेड मत कीजिएगा, डालिएगा मत इतने ज्यादा बहुत, और दो दो तीन तीन डालें और इन्हें फ्राई करें और लाइट गोल्डन ब्राउन हो मीडियम आंच पे उलट पलट करते जाए तो निकाल लें फिर उसे। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने स्टोर करके रखा है तो आपको भी स्टोर करके रखना ही है, कुछ नहीं, आप अगर उसी दिन बनाना चाहते हैं फील फ्री, आप उसी दिन फ्राई कर लीजिए। उसी समय आप चाहे वारने के बाद 1 घंटा रख दीजिएगा फ्रिज में, उसके बाद 1 घंटे के बाद फ्राई कर लीजिएगा। चलिए ये सारे बन चुके हैं माशाल्लाह, ये देखिए क्या क्रिस्पी हुए हैं, एकदम करारे हैं और तेल भी हाथ में नहीं लग रहा है जैसे आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इन्हें सर्व करती हूँ, ये देखिए मैं आपको काट के भी एक दिखा देती हूँ। जैसे आप सुन सकते हैं कितने क्रंची है माशाल्लाह। तो इसे गर्मा गर्म चाहे तो टमाटर सॉस या चटनियों के साथ सर्व कीजिए, वैसे कुछ चटनियों की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। कढ़ाई या पतीली के अंदर 1 टेबलस्पून मक्खन या मस्का कहिए वो डालिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। जब मेल्ट हो जाए मस्का तो 1 छोटा चम्मच भर कर लीजिएगा, कूटा हुआ लहसुन डाल दीजिए और इसे आधे 1 मिनट तक फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। जब आधा 1 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैंने बहुत छोटे छोटे पीस करके रखे हैं चिकन के, ये 250 ग्राम चिकन है, चर्बी निकाली हुई है, 2-3 पानी से धो के मैंने साइड पर रख दिया था नितारने के लिए। आप चाहे तो कीमा भी ले सकते हैं हाँ, और इसे फास्ट आंच पर फ्राई करें, तब तक फ्राई करें जब तक इस तरीके से कलर चेंज नहीं हो जाता, तब तक चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मक्खन में भी नमक होता है तो नमक एकदम संभाल कर डालिएगा यहाँ पर। अब डाल दीजिए चुटकी भर हल्दी, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच विनेगर, आपके पास विनेगर ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा फूड कलर में डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा पानी का छींटा मारकर इसे ढककर दम पे पकने रहने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती। बीच में मैंने एक बार खोलकर चेक किया था, थोड़ा सा मुझे लगा कि सूख रहा है पानी और चिकन गली नहीं है, तो थोड़ा सा पानी का फिर से छींटा मारकर मैंने उसे ढककर दम पे रख दिया था। चलिए
कुछ देर हो चुकी है, ये देखिए चिकन अच्छे से गल चुकी है। आप चाहें तो फास्ट आंच पर जो हल्का सा बचा हुआ ग्रेवी वो भी सुखा सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। चूल्हा कर देती हूँ बंद और आधा कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए। बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और इसे रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, ढाकिएगा मत, ठंडा होने दीजिए। एक अंडे को प्याले में निकालें, 1.5 टेबल स्पून जितना दूध डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, फेंट कर साइड पर रख दीजिए। 12-13 ब्रेड को मैंने इकट्ठे निकाल लिए हैं, सारे एजेस जो हैं वो निकाल कर एक ब्रेड लीजिए और इसको इस तरीके से बेलन की मदद से चपटा कर लीजिए, ऐसा बेल लीजिए इसको और साइड पर रखते जाइए। इसी तरीके से सारे बेल कर साइड पर रखते जाइए। अब बाइट्स बनाने हैं तो अब इनके बीच में से एक ब्रेड के इस तरीके से पीस कर लीजिए, तो एक के 2 पीस हो जाएंगे ना, इसी तरीके से सारे ब्रेड को पीसेस कर दीजिए। एक ब्रेड लीजिए, ब्रेड के ऊपर ये जो मिक्सचर हमने बनाकर रखा है चिकन का ये डाल दीजिए और अब आप चाहें तो पानी की मदद से, या फिर मैं क्या कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून गेहूं के आटे के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छा गोल पेस्ट बनाकर रखा है ये, इसी से मैं सील करूंगी। तो अब इसे एजेस पर लगा दीजिए और इसे बहुत अच्छे से एजेस को सील कर लीजिए ऐसे, और ये बन गया हमारा एक चिकन बाइट। इसी तरीके से सारे बना लीजिए, आप चाहें तो पानी से सील करें या फिर आटे की लई लगाकर जैसे मैंने किया वैसे सील करें, दोनों ही वे सही है। और बहुत ज़्यादा फिलिंग मत कीजिएगा चिकन की और बहुत कम भी मत कीजिएगा, ऐसा ना हो कि फट जाए और ऐसा भी ना हो कि कुछ अंदर ना मिले आपको। मैंने चिकन के बारीक बारीक पीस घर में किए हैं, आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं मोटा मोटा कूटा हुआ। चलिए ये बन चुके हैं 250 ग्राम में, तकरीबन ये 24 से 25 बने हैं। मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। एक चिकन ब्रेड बाइट लीजिए, उसे अच्छे से उलट पलट करते हुए अंडे में लोटिए और अच्छे से उसके बाद ब्रेड क्रम्स में चारों ओर से कोट कीजिए और ये बन गया हमारा चिकन ब्रेड बाइट। इसे साइड पर रख दीजिए, इसी तरीके से सारे बना लीजिए। चलिए सारे वेल कोट हो गए हैं, आपने आज ही बनाना है, फ्राई करना है, तो आप क्या कीजिए, आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद इन्हें फ्राई कर लीजिएगा। मैं इसे स्टोर करके रख रही हूँ। तो सबसे पहले एयरटाइट कंटेनर लीजिए, नीचे बटर पेपर रखिए और ये जो हमारे चिकन के ब्रेड बाइट्स हैं उस सारों को लगा दीजिए इस तरीके से बराबर में एक दूसरे के। जब ये लेयर पूरी भर जाए तो ऊपर फिर से एक बटर पेपर लगाकर फिर से लाइन लगा दीजिए। इसी तरीके से बटर पेपर लगाएं और ऊपर से ऐसे तरीके से लेयर करके चिकन बाइट्स की उसे ढक दें और फ्रीजर में रख दें। आप इसे तकरीबन 1 महीने तक स्टोर करके रख के खा सकते हैं। मैं नेक्स्ट डे फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो उसी दिन फ्राई कर सकते हैं। 1 घंटे के लिए लेके फ्रिज में रख दीजिएगा। चलिए अब आप तेल अच्छा भर लीजिए कढ़ाई के अंदर। जब तेल फास्ट आंच पर अच्छा गर्म हो जाए तो मीडियम आंच करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर 3-4 चिकन बाइट्स के ये पीसेस हैं ये डाल दीजिए और इसे फ्राई कीजिए मीडियम आंच पर। उलट पलट करते जाए तब तक फ्राई करें जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते दोनों ओर से। जब लाइट गोल्डन ब्राउन दोनों ओर से हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्रिस्पी भी हो जाएंगे। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से बाकी भी सारे बैचेस में फ्राई कर लीजिए। इसी तरीके से मैंने थोड़े से फ्राई किए और थोड़ी फिर से डीप फ्रीज करके रख दिए। मैं 2-3 दिन के बाद बनाने वाली हूँ उन्हें। अच्छा अब मैं आपको बता देती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए बढ़िया से माशाल्लाह। और हाथ में भी देखेंगे तो बिल्कुल भी ऑयल ज्यादा दिख नहीं रहा है आपको, क्या बढ़िया बने। मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ, माशाल्लाह देख सकते हैं आप कितने परफेक्ट और मजेदार से बने हैं हमारे चिकन ब्रेड बाइट्स। अच्छा आप इसे चाहें तो हरी चटनी के साथ सर्व करें, लाल चटनी के साथ सर्व करें या फिर टमाटर सॉस यानी कि केचप के साथ सर्व करें। वैसे हरी चटनी और लाल चटनी की रेसिपी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ।
थोड़ा सा पानी बॉईल करने रख दीजिए, उसमें डाल दीजिए नमक और 1 से 1.5 छोटा चाय का चम्मच तेल डाल दीजिए। उबाल आ जाए तो आधा कप मैक्रोनी डाल दीजिए और फास्ट आंच पर इसे बॉईल हो जाने दीजिए। जब अच्छा बॉईल हो जाती है और गल जाए तो इसे छान कर छन्नी के ऊपर रख दीजिए और इसके ऊपर क्विकली है ना ठंडा पानी या नॉर्मल भी पानी डालोगे ना सादा वो भी डाल दीजिए, तो उससे क्या है ना इसका जो पकने का जो ये रहेगा ना प्रोसीजर वो बंद हो जाएगा। तो अब इसे छन्नी पर रहने दीजिए। अच्छा, मैंने चिकन बॉईल कर ली थी, तकरीबन समझिए ना 150 से 200 ग्राम चिकन थी, उसमें कुछ नहीं डाला, थोड़ा पानी नमक डालकर 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, अच्छा बॉईल हो गया तो श्रेड कर लिया। ये 2 मीडियम साइज के आलू बॉईल करे हुए छील निकाली हुई और इसे इस तरीके से रफली मैश कर लीजिए हाथों की मदद से। वो जो मैक्रोनी हमने बनाकर रखी है आधा कप वो भी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मैं आधा छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ और आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दीजिए, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं मिर्चों के बजाय। अच्छा, मैं आधा छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, 1 टेबलस्पून भरकर मायोनीज का डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, मुझे थोड़ा सा मैंने उसके बाद चखा तो मुझे थोड़ा सा मायोनीज कम लगा तो मैंने 1 टेबलस्पून और डाला और बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। इसी तरीके से आप भी कर लीजिए। तो चलिए शेप दे देते हैं कबाब का। तेल को हाथों में लगाइए, ग्रीस कर लीजिए हाथों को, एक छोटा सा पोर्शन लीजिए मिक्सचर का और इस तरीके से चपटा करते जाइए और बीच में खुरची हुई चीज डाल दीजिए। आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं थोड़ी कम ही डाल रही हूँ, और इसे इस तरीके से सील करते जाइए और कबाब का शेप दे दीजिए। इसी तरीके से सारे कबाब बना लीजिए। अच्छा, मैं यहाँ पर पिज्जा चीज ले रही हूँ, आप चाहें तो प्रोसेस्ड लें या फिर मोजरेला लें। अगर आपको एकदम वो जो ऐसी स्ट्रिंग टाइप निकलती है वैसी चाहिए तो मोजरेला ले लीजिए। चलिए ये मैंने सारे बना लिए, अब आगे का प्रोसीजर कर लेते हैं। एक प्याले में एक अंडा फोड़कर डाल दीजिए, 1.5 टेबल स्पून दूध डाल दीजिए, नमक स्वाद अनुसार और बहुत अच्छे से फेंट लीजिए अंडे को। दूसरे प्याले के अंदर ब्रेड क्रम्स निकाल लीजिए। अब हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। एक कबाब लीजिए, अंडे में बहुत अच्छे से उलट पलट करके लोटिए और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में बहुत अच्छे से कोट कीजिए इवनली चारों ओर से और इसे साइड पर रख दीजिए। तो ये बन गई हमारी मैक्रोनी चीज चिकन कबाब एक। इसी तरीके से सारे कर लीजिए। ये मेजरमेंट में तकरीबन 10 कबाब बनती है। अब आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। 1 घंटे के बाद आप चाहें तो फिर फ्राई कर लें या फिर स्टोर कर लें। स्टोर करने का प्रोसीजर ये है कि आप जिप लॉक बैग के अंदर एक एक करके ये सारे जो कबाब है इन्हें इस तरीके से लगाते जाएं और जिप लॉक कर दें और इसे फ्रीजर के अंदर रख दें। तकरीबन आप 1 महीने तक रख के खा सकते हैं। आधे में अभी फ्रीज कर रही हूँ और आधे में अभी फ्राई भी कर रही हूँ। चलिए फ्राइंग कर लेते हैं। एक कढ़ाई के अंदर तेल डालिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, जब अच्छा गर्म हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर 2-3 एट अ टाइम कबाब डाल दीजिए और उसे मीडियम आंच पर पकने दीजिए। उलट पलट करते जाएं और उसे पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक चारों ओर से ये गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल कर नितार कर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से बाकी भी बैचेस में फ्राई कर लीजिए। माशाल्लाह कितने खूबसूरत बने हैं, मैं आपको एक खोलकर भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या बढ़िया से चीज़ी बने, आप देख सकते हैं हल्के हल्के वो स्ट्रिंग टाइप भी निकले हैं, आप देख सकते हैं। ये वैसे क्योंकि ये पिज्ज़ा चीज़ था इसके लिए इसमें थोड़े से स्ट्रिंग टाइप निकले, मैंने ज़्यादा चीज़ नहीं डाली, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। काली मिर्च, हरी मिर्च, ये सब अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। ग्राम चिकन कीमे को अच्छे से धो लीजिए, नितार कर 10-15 मिनट के लिए छन्नी के ऊपर साइड पर रख दीजिए। उसके बाद हल्के हाथ से इस तरीके से जो एक्सेस पानी है निकाल लीजिए हाथों की मदद से इस तरीके से और मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटे चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए, आधा छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, 1/4 छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर,
एक छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टेबलस्पून मक्खन यानी कि बटर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चियां, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कोथमीर यानी कि हरा धनिया। मिक्सर जार का ढक्कन लगा दीजिए और इस तरीके से एकदम बारीक पीस लीजिए। और अब इसे एक प्लेट या फिर बड़ी सी पातर के अंदर निकाल लीजिए ये कीमे के मिक्सचर को। हाथों को तेल से ग्रीस कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं बॉल्स बना लेती हूँ, मिक्सचर को डिवाइड कर लेती हूँ इक्वल पोर्शन के अंदर। आप कम या ज़्यादा, बड़े या छोटे अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक बॉल लीजिए, इसे बहुत अच्छे से मिडल से बीच में से चपटा कीजिए इस तरीके से, और फिर खुरची हुई चीज़ डाल दीजिए खूब सारी बीच में इस तरीके से। आप चाहे तो मोज़रेला डालें, आप चाहे तो पिज़्ज़ा चीज़ डालें, या फिर आप प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने ये पिज़्ज़ा चीज़ डाला है। और इस तरीके से इसे सील करते हुए बॉल का शेप दे दें और ये बन गया हमारा एक चिकन क्रिस्पी चिकन चीज बॉल। और इसे साइड पर रख दीजिए, इसी तरीके से सारे बना लीजिए। तकरीबन 250 ग्राम में 8 बने हैं, आप देख सकते हैं। अब आगे का प्रिपरेशन करते हैं। एक बाउल के अंदर एक अंडा डाल दीजिए, 1 से 1.5 टेबल स्पून दूध डाल दीजिए, नमक हल्का सा डालकर बहुत अच्छे से फेंट कर इसे साइड पर रख दीजिए। अब एक चिकन चीज बॉल लीजिए, इसे अंडे के अंदर बहुत अच्छे से उलट पलट करते हुए लोटिए और इसे ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल दीजिए। और ब्रेड क्रम्स में भी बहुत अच्छे से वेल कोट कीजिए चारों ओर से। जब वेल कोट हो जाए, अच्छे से प्रेस करते जाइएगा, जब वेल कोट हो जाए तो इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे हमारे क्रिस्पी चिकन चीज बॉल्स बना लीजिए। अब सबसे पहले तो सारे बन जाए ना, तो आप 1 घंटे के लिए एज इट इज फ्रिज में रख दीजिए। जब 1 घंटा हो जाता है तो आप निकाल कर चाहे तो उसी समय फ्राई करना है तो फ्राई कर लीजिए, या फिर मेरी तरह इसे फ्रीज कर लीजिए। मैं क्या कर रही हूँ, एक जिप लॉक बैग के अंदर अब 1 घंटे के बाद इन्हें डाल देती हूँ और इन्हें जिप मार के ऊपर रख देती हूँ फ्रीजर के अंदर। आप तकरीबन इसे 1 महीने तक स्टोर करके रख के खा सकते हैं। वैसे मैं कल बना रही हूं। अब एक कढ़ाई के अंदर चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और अच्छा तेल गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये बॉल्स जो है हमारे चिकन चीजी क्रिस्पी वाले ये डाल दीजिए और इसे स्लो से मीडियम के हल्के अंदर में ही फ्राई कीजिएगा। हाँ, तकरीबन 6 से 6.5 मिनट तक इसे फ्राई कीजिए, क्योंकि चिकन गली हुई नहीं है, इसमें चिकन पकना बहुत ज़रूरी है। 6-7 मिनट उलट पलट करते हुए इसे पकाएं और मीडियम आंच पर भी मत पकाएं। जब अच्छा तेल गर्म हो जाए तो स्लो कर दें, क्योंकि वो बाहर से जल जाएंगे, ज़्यादा लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगी। तो इसके लिए आप स्लो से मीडियम आंच के दरमियान रखें, उलट पलट करते जाएं। 6 से 6.5 मिनट हो जाए तो लाइट गोल्डन ब्राउन भी हो जाएंगे ये, तक 6.5 मिनट के बाद निकाल लें और इसे टिश्यू पेपर के ऊपर नितार कर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे फ्राई कर लीजिए बैचेस के अंदर। आपने देखे एक भी फूटे नहीं है, माशाल्लाह परफेक्ट बने हैं। माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सारे बन गए हैं, ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह, है ना। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह क्या चीज ऊज आउट हो रहा है, बढ़िया सा मजेदार सा। आप चाहें तो कोथमीर पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें हरी वाली, या फिर मैंने 5 मिनट इंस्टेंट रेड चिली चटनी भी बनाई है, मेरे चैनल पर अपलोड की है। वो दोनों के लिंक्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहां चेक कर लीजिएगा। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप रेसिपी आपको ये वाली अच्छी लगी तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, और उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।